नमः शिवाय। इजी गृहस्थी में आप सभी का स्वागत है। हम जानने वाले हैं कि कार्तिक महीने की रमा एकादशी का व्रत तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही पारण किस दिन किया जाएगा। तो कार्तिक महीने के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी को सबसे शुभ एकादशी माना जाता है, इसे कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। रमा एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले आती है। इस एकादशी का व्रत रखने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस एकादशी के व्रत की कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें भी इसका फल मिलता है। रमा एकादशी की तिथि शुरू होगी 20 अक्टूबर को दोपहर 4:04 पर। अगले दिन यह तिथि 21 अक्टूबर को शाम 5:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 21 अक्टूबर को ही रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसमें पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:50 से लेकर सुबह के 9:15 के बीच का समय। रमा एकादशी के दिन सुबह से ही शुक्ल योग होगा और यह शाम को 5:48 तक रहेगा। उसके बाद ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त आप 7:50 से लेकर 9:15 के बीच में इसकी पूजा कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। याद रखें, एकादशी के दिन मंदिर की साफ सफाई ना करें, ऐसा आप पहले दिन ही कर लें। उसके बाद भगवान को धूप दीपक दिखाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। अपना व्रत पारण करने के से पहले आप पहले ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, उसके बाद ही आप स्वयं कुछ खाएं। एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगले दिन व्रत पारण के समय चावल का सेवन करें। साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।